अगर आपको साथियों जाड़े के इन्फेक्शन से, विंटर में सर्दी के इन्फेक्शन से बचना है, तो आपको अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि अपनी स्किन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जाड़े यानी सर्दी का मौसम आने वाला है और ऐसे वक्त में तमाम बीमारियां हम लोगों को घेरने लगती हैं। आज का दौर वायरस के इन्फेक्शंस का दौर है, तरह तरह की बीमारियां हमको घेर रही हैं। तो कितना अच्छा हो अगर हम लोग पहले से इन वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, या यो कहें वायरस का प्रतिरोध करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। इसी श्रृंखला में साथियों यह वीडियो है। आज जब तमाम तरह के वायरस हम लोगों पर निरंतर हमला कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हम लोगों पे ये जो हमला हो रहा है वायरसेस का, इसको सबसे पहले, इससे बचाव करने के लिए जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा, प्रतिरोधक क्षमता का सबसे पहली लेयर ऑफ डिफेंस होती है, वह हमारी त्वचा होती है। तो अगर हम त्वचा को अपनी ठीक रखें, कुदरत के मुताबिक रखें, दुरुस्त रखें, स्वस्थ रखेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रतिरोध है, निश्चित रूप से यह इन वायरस को रेजिस्ट करने में सक्षम होगा। आज हम आपको बताते हैं साथियों कि आप ये विंटर्स आने से पहले अपनी स्किन की केयर को कैसे करें, अपनी स्किन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं अपनी स्किन की, ताकि आप वायरस से बच सकें। इसके लिए साथियों बहुत कुछ आपको नहीं करना है। अभी मानसून का वेदर है और अब इसके बाद सर्दी यानी विंटर्स आएंगे। तो जब सर्दी या विंटर्स आते हैं, सबसे पहले आपको आता है ड्राइनेस, रूखापन त्वचा का। और जब त्वचा का रूखापन होता है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपकी स्किन प्रॉपर रेजिस्ट वायरसेस का नहीं कर पाती है और आप इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ते हैं। आपको 6 चीज़ें करनी है साथियों, 6 ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि आयुर्वेद में इसको ओलिएशन थेरेपी कहते हैं। ये 6 बहुत आसान चीज़ें हैं, आप कर लें, आपका स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन बेहतर वायरस को रेजिस्ट करने में सक्षम होगी। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं वो 6 बातें जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। कोई उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, बस थोड़ा सा आपका प्रयास लगना है और आपका जाड़ा बहुत अच्छा बीतेगा। सबसे पहला काम साथियों, आपके जो ईयर यानी कान होते हैं, इसमें आप रोज रात में सोने से पहले 2 बूंद तेल डाल लें, 2-2 बूंद तेल दोनों कानों में डाल लें। इससे आपका जो ये पूरी मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेके स्टेचन ट्यूब से लेके ब्रेन तक का जो कनेक्शन होता है, वो सब ओलिएट रहेगा और पूरा जो है हाइपर एक्टिव रहेगा। आपको किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपकी यह म्यूकस मेम्ब्रेन तैयार रहेगी। यानी कान में आप 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर डाल लें। दूसरी बात साथियों जो आपको करनी है, अपने आँख में आप गाय का घी डाल लें। बहुत से YouTube पे वीडियो है, एक राजीव दीक्षित जी का वीडियो है कैसे जो है आप बनाएं, स्वामी नित्यानंद जी का वीडियो है, तमाम वीडियोस हैं जो कैसे वास्तव में काउ के घी को ओरिजिनल घी कैसे तैयार करें। वह जो घी होता है बाजार में बहुत महंगा मिलता है, करीब 1800 रुपये किलो मिलता है। तो उस मेल के घी से आप 2 बूंद अगर आँखों में डाल लेंगे अपने, तो जो आइस की म्यूकस मेम्ब्रेन है, यह भी आपकी पूरी तरह ओलिएट हो जाएगी। और अभी देखा गया जो रिसेंट वायरस आया, उसका इन्फेक्शन आँख, मुंह या नाक से ही फैलता है, तो आपकी आँख रेस्ट हो जाएंगी। बल्कि अभी कहा गया है कि आप फेस मास्क लगा के चलें कोई भी एयरबॉर्न वायरस के इन्फेक्शन के लिए। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कल टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। ये हो गई दूसरी बात। दूसरी बात यानी कि आपके आँखों में शुद्ध गाय का 2-2 बूंद देसी घी का इस्तेमाल। तीसरी बात साथियों, इसको न्यासा थेरेपी भी करते हैं, जो आपके साइनस होते हैं, नोज़ होते हैं, इसमें आप सुबह उठ के 2 बूंद तेल डाल लिया करें, दोनों साइनस में आप 2 बूंद तेल डाल लें। इससे आपका जो साइनस है ये भी ओलिएट हो जाएगा और आपको विभिन्न वायरस से लड़ने में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। पाँचवीं बात साथियों जो आती है आपके, इसको घंडूसा विधि कहते हैं आयुर्वेद में, यानी ऑयल पुलिंग। आप 2 टेबलस्पून कोई भी घी ले लें या कोई ऑयल ले लें और उसको आप पानी में डाल के उससे आप स्वैशिंग करें, मतलब कुल्ला करें, घुमाएं मुंह में चारों तरफ और गार्गल करें। तो इससे आपका पूरा यहाँ बक्कल कैविटी तक की म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह मॉइस्ट हो जाएगी, ड्राइनेस नहीं रहेगी, आपको सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस ये सब नहीं रहेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। छठी बात साथियों जो आती है, जब आप नहाने चलें, नहाने से पहले अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में कोई ऑयल से मसाज कर लें।
इससे साथियों बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब आप नहाएंगे तो उसके बाद ऑयल तो आपका चला जाएगा, आपके कपड़े नहीं गंदे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मॉइस्चराइजेशन है ऑयल का, वो आपकी स्किन में अवश्य रह जाएगा, जो आपको बहुत लंबे समय तक पूरे दिन फायदा देगा। तो ये 6 विषय हो गए साथियों जो हमने आपसे कहा था, आप इसको करिए, यह आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी यानी डिफेंस यानी कि स्किन की इम्यूनिटी डेवलप करने में सक्षम है, आपको लाभ देंगे। एक विषय और आता है कि आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों अगर आपको वात का दोष है तो आपको सीसेम ऑयल यानी तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पित्त का दोष है तो आपको सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए यानी कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको सरसों के तेल का और आपको सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कफ का दोष है तो आप कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप काऊ का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ का देसी घी, गाय का देसी घी, आपकी कोई भी आपके शरीर में 200 गाय का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप इनको करें साथियों, हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताएं आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ करके, और मन में कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर या YouTube नोटिफिकेशन पैनल में, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। अगर आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो आपसे निवेदन करेंगे, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने साथियों में इसको बढ़ाइए, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।